हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आप लोग को हिंदी का नवा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। नवे पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। भले का मतलब होता अच्छे, भला मतलब अच्छा, तो जग यानी संसार। अगर आप अच्छे हैं तो इस संसार में सभी आपको अच्छा दिखाई देगा, सब अच्छे ही आपको दिखेंगे। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं श्रीमन नारायण। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में संपन्न यानी पूर्ण हुई। इन्हें गांधी जी के आर्थिक सिद्धांतों का विशेषज्ञ माना जाता है। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य एवं गुजरात प्रांत यानी प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर भी रह चुके हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं रोटी का राग एवं मानव है। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट यानी शांत नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों यानी भावनाओं का भी सम्मान यानी आदर करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसमें बता रहे हैं कि श्रीमन नारायण जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता और प्रयाग विश्वविद्यालय में पूर्ण हुई। इन्होंने गांधी जी के आर्थिक सिद्धांतों के का विशेषज्ञ इनको माना गया है। ये भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य एवं गुजरात प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग एवं मानव। इसमें लेखक बता रहे हैं इस पाठ के द्वारा कि हमें केवल अपने ही से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे के विचारों को भावनाओं को भी समझना चाहिए, उनके भावनाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो भी वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आइए इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। एक विशाल यानी बड़े कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ यानी रास्ता भूला हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल यानी सूरत चेहरा देखकर वह चौंका यानी डर गया। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे, टूट पड़ना यानी हमला कर देंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान यानी अकड़ दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि यानी उसकी ध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगता। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते हुए दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा यानी हमला किया। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका, चिल्लाया, अंत में गस यानी बेहोश खाकर यानी बेहोश होकर गिर पड़ा। इसमें बता रहे हैं कि एक विशाल बहुत बड़े कांच के महल में न जाने कुत्ता एक किधर से रास्ता भूला हुआ भटका हुआ घुस आया और हजारों शीशे के टुकड़े में अपने चेहरे को देखकर वह डर गया, चौंक गया। उसने जिधर भी नज़र डाली, जिधर भी नज़र घुमाया उधर ही हजारों कुत्ते उसे दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब हम पर टूट पड़ेंगे यानी उस पर हमला कर देंगे और उसे मार डालेंगे। यह सोचकर उसने अपनी अकड़ दिखाने के लिए, शांत दिखाने के लिए उस पर भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी ही आवाज़ उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल आवाज़ सुनकर तेज तेज धड़कने लगता और वह जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से उसे भौंकते हुए दिखाई दिए और आखिर में वह उन कुत्तों पर हमला किया, झपटा। वे भी उन पर झपटे। फिर बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका, जोर से चिल्लाया और अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा। आगे पढ़ते हैं।
कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ। प्यार से उसने अपनी दुम यानी पूँछ हिलाई। पूँछ हिलाना यानी दुम हिलाना, पूँछ हिलाना यानी चापलूसी करना। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खुश हुआ और कुत्तों को की ओर अपनी पूँछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से यानी खुशी से उछला कूदा, अपने ही छाया यानी परछाई से खेला, खुश हुआ और फिर पूँछ हिलाता बाहर चला गया। इसमें कह रहे हैं कि कुछ देर बाद उसके जाने के बाद एक और कुत्ता उस महल में आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन उनको देखकर वह डरा नहीं। उनको देखकर उसने प्यार से अपनी पूँछ हिलाई। सभी कुत्ते भी उसको अपनी पूँछ हिलाते दिखाई दिए। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूँछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह खुशी से उछलता कूदता और अपनी छाया यानी परछाई से खेला, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और पूँछ हिलाता हुआ बाहर महल से चला गया। आगे पढ़ेंगे, जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान यानी त्रस्त, नाराज यानी रूठा और चिड़चिड़ाते यानी क्रोधित करते हुए देखता हूँ, तब इसी खिस्से यानी कहानी का स्मरण यानी याद हो जाता है। मैं उनकी मिसाल यानी उदाहरण भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। अशिष्टता का मतलब जो शिष्ट नहीं हो, सही न हो, ऐसा व्यवहार। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक यानी सीख जरूर सीख सकते हैं। कह रहे हैं कि जब मैं लेखक कह रहे हैं कि जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान यानी त्रस्त, नाराज और गुस्सा करते हुए देखता हूँ, तब इसी खिस्से का मुझे कहानी का याद हो जाता है। मैं उनकी उदाहरण उस भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मैं उनका उदाहरण यानी मिसाल उससे दूंगा तो ये अशिष्टता होगी, शिष्ट नहीं है, ये व्यवहार अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस कहानी से चाहे तो वो कुछ सबक सीख जरूर ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव यानी व्यवहार की छाया यानी परछाई ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों के दोषों यानी बुराइयों को न देखकर उनके गुणों यानी अच्छाइयों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव यानी व्यवहार करेगी। अगर आप हमेशा लोगों की ऐबों यानी दोषों की ओर ध्यान से देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं यानी गुस्सा करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना है और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर यानी आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दुनिया एक कांच के महल जैसी है, हमारे स्वभाव हमारे व्यवहार की परछाई हम पे पड़ती है, यानी जैसा हम व्यवहार सामने वाले से करते हैं वही व्यवहार हमें उस रूप में वापस मिलता है। तो कह रहे हैं आप भले तो जग भला, यानी आप अच्छे हैं तो पूरा संसार अच्छा है, आप बुरे हैं तो आपके लिए संसार भी बुरा है। कहने का मतलब अगर आप खुश रहते हैं, दूसरे की बुराइयों को नहीं देखकर उनके अच्छाइयों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया आपके साथ विनम्रता पूर्वक और प्रेम का व्यवहार करेगी। और अगर आप हमेशा लोगों की बुराइयां देखते हैं और उन्हें अपना शत्रु यानी दुश्मन समझते हैं और उनकी ओर गुस्सा करते हैं, तो फिर वो क्यों ना आपकी ओर गुस्सा करके आपकी तरफ गुस्से से दौड़ेंगे। कह रहे हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसते हैं तो दुनिया आपकी साथ देगी, लेकिन अगर आपको गुस्सा होना है और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल वन में चले जाइए, वही आपके लिए भलाई का कारण होगा, अच्छा होगा आपके लिए। आगे पढ़ेंगे, अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा,
आपकी सफलता यानी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य यानी भेद क्या है। इसमें बता रहे हैं लेखक कि अमेरिका के प्रसिद्ध एक नेता थे अब्राहम लिंकन, तो उनसे किसी ने एक बार पूछा था कि आपकी सफलता यानी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य यानी राज भेद क्या है। आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक यानी बेमतलब नुक्ता चीनी यानी दोष निकालना, कमियां निकालना, नुक्ता चीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। उन्होंने थोड़ा समय तक सोचा और फिर उत्तर दिया, जवाब दिया कि मैं दूसरों की बिना मतलब की दोष निकाल कर उनका दिल दुखाता नहीं हूँ, उनका मन दुखाता नहीं हूँ। आगे पढ़ेंगे, मेरे मित्र की यही खास यानी विशेष गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण यानी विचारों को, नज़रियों को समझने की कोशिश यानी प्रयत्न नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना यानी बुराई करना ही अपना परम यानी बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म यानी कर्तव्य समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है, सोच है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही, दूसरों की कमियां दूर करने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। कवि यहाँ, लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मेरे मित्र की एक विशेष गलती है कि वे दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरों की सोच को, दूसरे के कामों की, दूसरों के विचारों की, भावनाओं की बुराई करना ही वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है, सोच है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर के। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कवि का कि प्रेम की एक शब्द ही लोगों को आपके नज़दीक ला देगा, और ढेर सारे ताने मारना, उनको उनकी आलोचना करना आपसे उनको दूर कर देगी। आगे पढ़ते हैं, दुनिया में पूर्ण कौन है यानी पूरा कौन है, हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां यानी गलतियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए, अनुचित यानी जो उचित न हो, जो ठीक न हो ऐसा ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी तहसीर, आँख की तहसीर को नहीं देखते। तिनका यानी बारीक कड़, तहसीर यानी पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। दूसरों को सीख तो देना बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना यानी चलना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों यानी दोषों पर टीका टिप्पणी करना यानी बातें ताने मारना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल यानी दशा कभी नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, कोई पूरी तरह से संपन्न नहीं है गुणों से, हर एक के अंदर कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गलतियां हर एक व्यक्ति से होती है, फिर भी एक दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करना अनुचित यानी उचित नहीं समझा जाएगा। जैसा ईसा ने कहा था कि लोग दूसरों के आँखों के तिनका को देख लेते हैं, यानी दूसरों के अंदर छोटी से छोटी बुराइयों को देख लेते हैं पर अपनी आँख के तस्वीर को नहीं देखते, यानी कि अपने अंदर की बड़ी से बड़ी बुराइयों को देखते नहीं हैं। दूसरों को सीख देना यानी ज्ञान देना बहुत ही सरल काम है, लेकिन अपने ही बनाए गए आदर्शों पर स्वयं चलना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करें, कोशिश करें और दूसरों के दोषों पर टीका टिप्पणी न करें, ताने न कसें, उन पे उनको उनकी आलोचना न करें, ये करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र यानी दोस्त के जैसा हमारा ये हालत, हमारी अवस्था कभी नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी सिलसिले यानी विषय में
एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी यानी बुराई नहीं करेंगे, दोष नहीं निकालेंगे, ऐसी उम्मीद यानी आशा है। पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो, आपकी बुराई करना न छोड़े तो, मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, निंदा करते रहें, पर आपके लिए तो एक ऐसे मौके यानी अवसर पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी वह बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसे प्रीतम पार उतारे। करें कि इस विषय में एक और बात, और आप दूसरों की दोस्त नहीं निकालेंगे, दूसरों की बुराई नहीं करेंगे ऐसी आशा है, पर दूसरे ही अगर आपकी बुराई करते हैं, आपके अंदर कमियां निकालना नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे मित्र अपनी बुराई अपनी निंदा सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया भर की बुराई दिन भर करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर एक दादू की पंक्ति गुनगुना लेना यानी गा लेना बहुत ही अच्छा साबित होगा। करें कि निंदक बाबा वीर हमारे यानी निंदा करने वाले हमारे जो वीर महान दोस्त हैं, बिना ही कौड़ी वह बेचारे बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, आपन डूबे और कुतारे, अपना नहीं देखते हैं, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे प्रीतम पार पार, ऐसे अच्छे लोगों को भगवान ही पार उनका करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, जिनकी ओर निंदक यानी निंदा करने वाला हमारा ध्यान खींचता है, हमें उस तरफ आकर्षित करता है, तो उन अवगुणों यानी दोषों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य यानी जिम्मेदारी हो जाती है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार यानी एहसान ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन ने कुछ गलती हो गई, हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय यह आपकी सरासर यानी बिल्कुल गलती है, आइंदा यानी अब से ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, अपमान यानी तिरस्कार। मन में क्रोध यानी गुस्सा जागृत हुआ यानी आया, और वे बिना कुछ उत्तर यानी जवाब दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, एकांत यानी जहाँ पर कोई न हो, सुनसान जगह, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि अगर सचमुच में हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, जिनकी ओर हमारी निंदा करने वाले, बुराई कर बताने वाले अगर उस तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, तो उन दोषों को, उन गुणों अवगुणों को, बुराइयों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य जिम्मेदारी हो जाता है। जिनकी ओर हमारा ध्यान वो जिसने खींचा, कमियों को बताया, हमारे अंदर जो कमी है तो उसका हमें उपकार मानना चाहिए। एक दिन एक अच्छे व्यक्ति से कुछ गलती हो गई तो हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले कि देखिए महाशय यह आपकी बिल्कुल से गलती है, अब से ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उनकी बात सुनकर बेचारे जो महाशय जी थे बहुत दुखी हुए, उनको लगा कि मेरा अपमान हो गया, इस बात को सोचकर उनके मन में गुस्सा उठा आया, और वे बिना कुछ उत्तर दिए जवाब दिए ही वहाँ से उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, आप तो बड़े समझदार हैं, प्रयत्न करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। लेखक ने उस महाशय को समझाया, कहा। आगे पढ़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू छलछलाए यानी आंखों में पानी भराना, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती कैसे क्यों करने लगा,
पर कोई मोहब्बत यानी प्रेम से पेश आए यानी व्यवहार करे तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। कह रहे हैं कि उनकी आँखों में लेखक की बातें सुनकर आंसू आ गए, आँख पानी से भर आया और बड़े प्रेम से प्यार से बोले कि हाँ हमें पता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, भला मैं क्यों आगे वह गलती करने जाऊँगा। लेकिन वही बात कोई प्रेम से बोले, प्रेम से व्यवहार करे तब ना आदमी प्रेम का यानी प्यार का भूखा होता है। आगे पढ़ते हैं, जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा यानी मार काट का मार्ग यानी रास्ता त्याग कर यानी छोड़कर अपने को बापू के सामने समर्पण यानी समर्पित कर दिया तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ, संतोष यानी संतुष्टि हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति यानी हमदर्दी की मूर्ति यानी प्रतिमा थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे, बड़े परीक्षक यानी परीक्षा भी लेते थे। कह रहे हैं लेखक, जब सरदार पृथ्वी सिंह ने मार काट का रास्ता छोड़कर अपने आप को बापू को समर्पित कर दिया था तब बापू को बहुत प्रसन्नता और संतुष्टि हुई थी। पर बापू जहाँ लोगों से प्रेम करते थे, हमदर्दी रखते थे, हमदर्दी या प्रेम की मूर्ति थे, प्रतिमा थे, वहीं वो लोगों की परीक्षा भी लेते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा यानी सत्य का पाठ सचमुच यानी वास्तव में सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, क्या आपका क्या मतलब बापूजी? कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब अगर आप आके सेवाग्राम में मेरे आश्रम में रहेंगे तब मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ पढ़ा यानी सत्य का रास्ता अपनाया और सचमुच में आपने अहिंसा का पाठ सीख लिया। तो उनकी बातें सुनकर पृथ्वी सिंह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि आपका मतलब क्या है बापूजी? आगे पढ़ते हैं, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है, जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं, उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो उन्होंने उनके प्रश्न पूछने पर बताया बापूजी ने कि भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है, जिन लोगों की कहीं नहीं बनती यानी जिनको कहीं रास्ता नहीं मिलता अक्सर वो मेरे पास आ जाते हैं, उन सबको मैं एक साथ जोड़ कर रखने के लिए सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट जो जिनको जोड़ने का काम करता है वो क्या है? अहिंसा सत्य का रास्ता है। आगे पढ़ते हैं, मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम में यानी प्रेम से भरे व्यवहार की एक झलक यानी पहचान मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति यानी हमदर्दी से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना यानी निंदा कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर यानी दिखाकर। बापूजी की बातें सुनकर सरदार पृथ्वी सिंह ने कहा कि मैं बापूजी आपकी बातें समझ गया मुस्कुराते हुए, आगे की कहानी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर इसमें बापू के जो प्रेम से भरे व्यवहार की एक झलक मिल जाती है कि प्यार भी दिखाते हैं और लोगों को समझा भी देते हैं। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है, खींचा है। बापू कड़ी से कड़ी यानी सख्त से सख्त निंदा कर सकते थे और लोगों की निंदा करते भी थे, उनकी बुराई को बताते भी थे, लेकिन हंसते ही बातों में मीठी चुटकियां लेकर मजाक में कह देते थे और अपने प्रेम को भी दिखा देते थे, प्रेम को दिखाते हुए सब बातें कहते थे। आगे पढ़ेंगे, अमेरिका के मशहूर यानी प्रसिद्ध लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक़ था, शौक़ यानी बहुत पसंद होना किसी चीज़ का, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान में के एक पास कुटी यानी झोपड़ी में रहते थे।
एक बार जोर की बारिश यानी वर्षा आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों यानी तैसे तैसे वह बछड़ा भी सारी ताकत यानी शक्ति लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे उसने यह तमाशा यानी खेल देखा, वह दौड़ी आई, अपनी अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी यानी झोपड़ी के अंदर चला गया। इसमें कहानी बता रहे हैं कि अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक इमर्सन ने की एक घटना यानी हादसा याद आती है। उन्हें गाय पालने का बहुत शौक था, उन्हें गाय पालना पसंद था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी यानी झोपड़ी में रहते थे। एक बार बहुत तेज से बारिश आने वाली थी, सभी गाय झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों ने मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने के लिए खींचने लगे और वह कुटी के में चला जाए। जैसे जैसे उन्होंने जोर लगाकर खींचना शुरू किया, तैसे तैसे वह बछड़ा भी सारी शक्ति लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए इस बात से। इतने में उनकी जो बूढ़ी नौकरानी थी उधर से निकली और जैसे ही उसने यह तमाशा सारा देखा, वह दौड़ कर आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में डालकर प्यार से झोपड़ी की तरफ उसे ले जाने लगी। बछड़ा भी चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। आगे पढ़ेंगे। वह अनपढ़ यानी जो पढ़े लिखे न हों उनको अनपढ़ कहते हैं। नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल यानी निपुण अवश्य थी। और सब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों कर न समझेंगे। कवि कह रहे हैं कि वह अनपढ़ नौकरानी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, किताबें और कविताएं लिखना भले ही नहीं जानती थी, पर व्यवहार अच्छे व्यवहार में वो निपुण थी। व्यवहार किसके साथ कैसा करना चाहिए वह सब जानती थी। और अगर जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, प्रेम समझते हैं, तो फिर मनुष्य प्रेम क्यों नहीं समझेगा, उसे प्रेम क्यों नहीं चाहिए, उसको भी प्रेम चाहिए, वो भी प्रेम की भाषा समझते हैं। आगे पढ़ेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया यानी खाना बनाने वाला बिना खबर यानी सूचना दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़ यानी मूर्ख, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे। आद की झड़ी यानी लाइन लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर भी तारीफ यानी प्रशंसा के दो शब्द न बोले जाते। वाह तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, यानी दिमाग चढ़ जाना यानी मन बढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते, ठीक है तो वह भी आदमी है, इंसान है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर यानी उब कर भाग जाने के सिवा यानी अलावा और क्या चारा था, यानी क्या रास्ता था। लेखक बता रहे हैं अपने मित्र के बारे में कि कल हमारे मित्र का रसोइया यानी खाना बनाने वाला नौकर बिना सूचना दिए बिना खबर दिए ही चला गया। और वह बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको हमारे मित्र की डांट ही खानी पड़ती थी, डांट ही सुननी पड़ती थी। तूने आज दाल जला दिया बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे मूर्ख अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे। आद के लाइन लगा देते थे। जब कोई चीज़ बिगड़ जाती थी खराब हो जाती थी तब उसे खूब जी भरकर डांटते थे,
लेकिन जब अच्छा भोजन बनता था तो उसकी कभी तारीफ में दो शब्द भी नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि तारीफ करने से, प्रशंसा करने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, यानी उसका मन बढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते, ठीक है तो वह भी तो आदमी है, वह भी उसके भी दिल है, बेचारा कुछ रुपए का नौकर है, दास है, सेवक है, कोई मशीन नहीं बन सकता। और वह तंग आकर ऊब कर भाग जा गया, उसके सिवा, उसके अलावा, भागने के अलावा उसके पास कोई चारा रास्ता नहीं था। आगे पढ़ते हैं। कहने का मतलब अर्थ, मतलब को होता मतलब अर्थ यह है कि उनकी किसी से बनती न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं, यानी खुश हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार यानी व्यवहार और विचार यानी सोच आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वह मूर्ख हैं। लेखक कह रहे हैं कि उनके कहने का यह मतलब है कि उनकी किसी से अच्छे व्यवहार नहीं थे, उनका किसी से भी बैठता नहीं था, न अपने मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न ही घर के नौकरों से। सबसे उनका लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। और उस पे करें कि सबसे अच्छी बात यह थी, आनंद की बात, कि वे अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच से, अपने विचार से बहुत खुश थे। वे ऐसा मानते थे कि उनका जीवन जो है, उनका जो व्यवहार है जीवन में, उनकी जो सोच है अपने जीवन में, वह एक आदर्श है। और दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते हैं, उन मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। आगे कवि लेखक कहते हैं, ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बड़े पते की यानी भले की बात कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, बुद्धिमान है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को, इस सोच को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें, पर उनसे यह कहने का हिम्मत यानी साहस कौन करेगा। लेखक कह रहे हैं कि ग्रीस के एक महान संत सुकरात हैं, जिन्होंने एक बड़े अच्छे भले की बात कही है कि जो मनुष्य मूर्ख है यानी बेवकूफ़ है, और वो जानता है कि वह मूर्ख है, बेवकूफ़ है, तो वह ज्ञानी है। कम से कम वह जानता तो है कि वह मूर्ख है, पर जो मूर्ख है, बेवकूफ़ है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और लेखक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होता कि अगर सुकरात के इस सोच को, इस विचार को मेरे मित्र, मेरे दोस्त अपने कमरे में लिख कर टांग लें, और लेकिन यह बात कहने के लिए हिम्मत कौन करेगा उनसे। बच्चों, यह पाठ के द्वारा यह समझाया गया है कि हमें दूसरों के भी भावनाओं को, विचारों को समझना चाहिए, हमेशा दूसरों के अंदर की गलतियों को नहीं देखना चाहिए, दूसरों के अच्छाइयों को देखना चाहिए, और हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तब हमें, जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरों के अच्छाइयों को समझेंगे, दूसरों के विचारों को भी महत्व देंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, तो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, हमारे विचारों को समझेगा, और हम दूसरों को अच्छे लगेंगे और दूसरे हमें अच्छे लगेंगे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है, और इस पाठ को आप अच्छे से, इस वीडियो को सुनिएगा, और इसमें जो शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, इसको भी आप लोग को बच्चों लिख लेना है, और लेसन आप पूरा करते ही जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।